कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीएनएस ऑपरेशन, डीएनएस ऑपरेशन के नुकसान, यस दोस्तों बात करते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं, कहने में बड़ा अजीब लगता है, जहां इतने फायदे होते हैं वहां नुकसान भी हो सकता है। यस, हर सिक्के के दोस्तों दो पहलू होते हैं, हमें दोनों चीजें जानना चाहिए, उसके नुकसान है फायदे, एंड देन फिर उस चीज को हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि ये मेरे लिए इस फायदे और नुकसान में हम कैसे जो है दोनों चीजों में से अच्छी वाली चीज हम पा सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है, हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कशन किया है, बेनिफिट्स जो है डीएनएस सर्जरी के बहुत सारे हैं। हमारा ब्लॉकेज ठीक होता है, हमारा अपीयरेंस ठीक होता है, कॉन्फिडेंस ठीक होता है, एंड और भी बहुत सारी साइनस प्रॉब्लम से छुटकारा होता है। लेकिन दोस्तों ये जो डीएनएस की सर्जरी है, बहुत बार आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग या बहुत बार आपके लिए जो है ऐसी हो जाती है जिससे आपको बहुत जो है वो मानसिक नुकसान भी होता है। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसी। बहुत बार कैसे डीएनएस सर्जरी में दो चीजें हैं, या तो वो जो डीएनएस की जो सर्जरी है वो आपको जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी आपकी जो सर्जरी अगर अच्छी टेक्निक से नहीं हुई तो हमें एक तो उसमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है सर्जरी के बाद में, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में दो जो मैं एक नोज सर्जन हूँ दोस्तों, मेरे पास देश विदेश से नोज सर्जरी के लिए पेशेंट आते हैं, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है नोज सर्जरी के बाद में जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम जो सर्जरी करने वाले के कारण होती है, जैसे आपने दोस्तों हमें समझना है कि एक बिल्डिंग है और एक उस बिल्डिंग में क्या है उसका एक लेंटर होता है, एक पिलर होता है जो उस बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। क्या आपने सोचा है अगर उस पिलर को, जो आपने देखा होगा हम जब इंटीरियर कराते हैं तो मकान के बीम को नहीं छेड़ते, अगर आपने उसका पिलर तोड़ दिया तो वो मकान पूरा नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हमारे नोज में क्या है, ये जो सेप्टम का जो ऊपर का जो करीब जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर का पार्ट और आगे का जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर का पार्ट सर्जरी के दौरान हमेशा बचा के रखा जाता है, जिससे नोज खड़ा रहे और आगे से नोज नीचे नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा या कोई ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है उसको खुद को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर्जरी के बाद देखा होगा 6 महीने 8 महीने बाद धीरे धीरे उसका नोज नीचे आ जाता है, दैट वी कॉल द ड्रूपी नोज। आइडियली हम हमारे नोज को टिप, नोज की जो टिप को है वो हमारे लिप से टच नहीं करते, लेकिन जिनका ये सपोर्ट लॉस्ट हो गया वो बिल्कुल नोज यूं हो जाता है। एंड बहुत बार क्या है, ऊपर की सपोर्ट लॉस्ट के कारण जो हमारा नोज का ब्रिज है उस पर जस्ट ऐसे डिप्रेशन आ जाता है, ये नोज यहाँ से बैठ जाता है, सैडल नोज डेवलप हो जाता है। ये दो जो अपीयरेंस की रिगार्डिंग दोस्तों प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है, एंड ये डेफिनेटली टेक्निकल डिपेंडेंट होती है। बहुत बार रेयर, कई बार क्या है नोज की सर्जरी के बाद में प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं है, या पेशेंट को कोई डायबिटीज या कोमोर्बिडिटीज है और उसके कारण अगर इन्फेक्शन क्रिएट हो गया, तो कई बार क्या इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है, 100% ऐसा नहीं होता कि टेक्निकल, बट मोस्टली जो रीजन है वो टेक्निकल डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपका जो एक सुंदर नोज था, आप देखो जो आपका सुंदर नोज था, आपने डीएनएस का करेक्शन कराया, उसके बाद में आपका नोज नीचे आ गया और यहाँ डिप्रेशन हो गया। सो दोस्तों एक ये प्रॉब्लम है, एक ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा दूसरा, बहुत बार क्या है दोस्तों, आपको डीएनएस के पहले आपको ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सर्जरी के बाद में आपको और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी कारण से, इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण और प्रॉपर टेक्निक नहीं है कारण, नोज के अंदर साइनेकिया बन जाते हैं। साइनेकिया क्या होते हैं दोस्तों, जो नोज का अंदर की कैविटी है वो अंदर आपस में चिपक जाती है, तो उस चिपकने के कारण जो हमारा सांस का रास्ता था वो ब्लॉक हो गया। तो फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक, ये दोनों जो प्रॉब्लम कई बार क्या है सर्जरी के कारण क्रिएट हो जाती है। थर्ड आपको जो है वो मेंटल जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपका लुक इफेक्ट हो गया, आपने ब्रीदिंग के लिए सर्जरी कराई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये जो चीजें हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी रूटीन कॉम्प्लिकेशन से आपका जो है ब्लीडिंग भी जो है बहुत बार हो सकता है नोज के अंदर, बट वो सर्जरी के टाइम ही होता है, बाद में इतना नहीं होता। सो दोस्तों देखा आपने,
ये कितने सारे कॉम्प्लिकेशन डीएनएस के कारण हो सकते हैं, बट इन सब का तोड़ क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए आपने अपना जो नोज सर्जरी कराने का जो सेंटर है, जो सर्जन है, उसको चुनाव के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। उसका बोर्ड सर्टिफिकेशन पता लगाना चाहिए, उसका पहले के जो पेशेंट का एक्सपीरियंस हमें देखना चाहिए। आप किसी डॉक्टर को जानते हो, उससे उसके बारे में पूछना चाहिए, आपको उसके बारे में पढ़ के जाना चाहिए। सारे सवाल आपको करके एक अच्छा डॉक्टर चुनाव करोगे तो ना तो आपको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होगी, ना आपकी नोज में फंक्शनल प्रॉब्लम होगी। एंड जिस नोज की सर्जरी डीएनएस के आपने कराई, देन यू आर वेरी हैप्पी। आपको उसके लिए जो बेनिफिट हमने जानना था, जो बेनिफिट हमने लेना था, डेफिनेटली वो बेनिफिट आपको मिलेंगे। सो दोस्तों, देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ये जानना कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डीएनएस सर्जरी। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डीएनएस। अगर आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, जस्ट यू पुट ऑन माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई रिप्लाई। थैंक यू।